हेलो ऑल ऑफ यू, वेलकम बैक टू माय चैनल। मैं आज आप लोगों के लिए लेकर आ चुकी हूँ एक कलेक्टिव रीडिंग, जिसका टॉपिक रहने वाला है कि कल रात आपके पर्सन, आपके पार्टनर आपको लेकर क्या सोच रहे थे। ये रीडिंग जनरल है, कलेक्टिव है, हो सकता है कि आपकी सिचुएशन के साथ एग्जैक्टली रेजोनेट करे, हो सकता है सिर्फ कुछ परसेंट रेजोनेट करे। तो आप ओपन माइंडेड होकर ये रीडिंग सुनिएगा। ये रीडिंग सभी जोड़ियाक साइंस के लिए है, हर उम्र के व्यक्ति के लिए है, टाइमलेस है। आप जब भी इस वीडियो तक पहुंचेंगे, यह आपके साथ तभी रेजोनेट करेगा। फिर चाहे आप इस वीडियो तक कितने भी समय बाद क्यों ना पहुंचे हो, ये रीडिंग सभी जोड़ियाक साइंस के लिए है, हर उम्र के व्यक्ति के लिए है, टाइमलेस है। ओके, जबरदस्ती अपने आप को रीडिंग में फिट इन मत कीजिएगा। जितना आपके साथ रेजोनेट करता है सिर्फ उतना ही एक्सेप्ट कीजिएगा। आइए देखते हैं कल रात उनकी क्या फीलिंग्स थी आपको लेकर। ओके, यहाँ पर एक कार्ड अनफोल्ड हुआ है, बैक टू व्हाट यू लव। इंटरेस्टिंग। सो दे ट्राइड टू एस्केप। वेल, आई विल एक्सप्लेन दैट, जस्ट अ सेकेंड, लेट मी टेक मोर कार्ड्स। Like attracts like. Interesting. You guys are mirroring each other. Maybe you have similarities. Treasure your loved ones. Interesting. You are precious for them. You are precious for them. Interesting. Okay. I hope your cards are visible. Hain. Let me shift them here a bit. Okay. Visible? In just a second. तो सबसे पहली चीज़ व्यूअर्स, यहाँ पर मुझे जो नज़र आ रही है वो ये है कि समवेयर ऐसा है कि आपके पर्सन ने कल रात कुछ ऐसा ही सोचा है या इस बारे में चिंतन किया है कि अब तक, लाइक टिल नाउ, अब तक वो कितना आपसे दूर भागने का प्रयास करते रहे। हाउ मच दे ट्राइड टू एस्केप, कितना उन्होंने आपसे दूर भागने का, कितना इन्होंने आपसे डिस्टेंस मेंटेन करने का, कितना आपको भूलने का, कितना ही आपको अवॉइड या इग्नोर करने का प्रयास किया। दे ट्राइड एवरीथिंग, दे जस्ट ट्राइड टू स्टॉप टॉकिंग एंड स्टॉप लुकिंग एट यू। ऐसा लगता है जैसे आपकी तरफ देखना, आपसे बात करना सब इन्होंने कम किया या बंद किया, हर तरह का डिस्टेंस मेंटेन किया। इवन वो आपके बारे में भी बात नहीं करना चाह रहे थे, बट उन्होंने जितना भी आपसे दूर भागने का कोशिश किया हो उसका कम्प्लीटली अपोजिट हो गया उनके साथ। ओके, बिकॉज जितना आप किसी चीज़ से दूर भागोगे, जितना किसी चीज़ को निगलेक्ट अवॉइड करोगे, इग्नोर करोगे, जितना किसी चीज़ को नज़रअंदाज करोगे, उतना ही ज़्यादा और ज़्यादा प्रेशर के साथ वो चीज़ बाउंस बैक करती है, वापस आती है। यहाँ पर भी ऐसा ही हुआ है, उन्होंने आपसे दूर भागने की कोशिश की होगी अब तक, लेकिन अब कल रात उन्हें ऐसा महसूस हुआ या उन्हें ऐसा रियलाइज़ हुआ दैट इतना भागने का कोई फ़ायदा नहीं हुआ। इनफैक्ट जो आपके लिए उन्हें फील होने लगा था या आपके लिए जो लाइकिंग डेवलप होने लगी थी वो और ज़्यादा मल्टीप्लाई हो गई। इट नेवर रिड्यूस्ड, वो कम नहीं हुआ, जबकि उन्होंने सोचा कि डिस्टेंस मेंटेन करने से, ध्यान ना देने से ये सब चीज़ें वैनिश हो जाएंगी, लेकिन ऐसा नहीं हुआ, ये चीज़ें मल्टीप्लाई हो गई, बढ़ गई। अगर पहले सिर्फ एक इंटरेस्ट था तो लाइकिंग हो गई, अब ये लाइकिंग थी सिर्फ तो अब क्रश हो गया, या क्रश था सिर्फ तो प्यार हो गया, बट इट जस्ट इंक्रीज्ड, इट इन्हांस्ड, इट मल्टीप्लाइड। तो ऐसा लगता है बढ़ गया ये। इनके मन में जो भी भाव थे आपके लिए, जिस भी स्टेज तक, जिस भी लेवल तक इनका प्यार, इनके इमोशंस पहुँचे थे उससे कई ज़्यादा हो गए। क्यों? क्योंकि इन्होंने आपसे दूर भागने की कोशिश की। तो कल रात यही सोच रहे थे कि अब कैसे वो घूम फिर के
भाग दौड़ के वापस उसी रास्ते पर, उसी दिशा में या उसी जगह पर वापस आकर खड़े हो गए जहाँ से उन्होंने भागना शुरू किया था। और अब उनकी हालत और भी ज़्यादा इंटेंस हो गई है, यानी उनकी कंडीशन और भी ज़्यादा इंटेंस हो गई है कि वो अब तो चाहकर भी नहीं भूल पाएंगे आपको, ये उनको समझ में आ रहा है। तो कल रात वो यही सोच रहे थे कि उन्होंने कितना आपसे भागने की कोशिश की, फिर लौट के वहीं पर आ गए और अब तो ज़्यादा प्यार हो रहा है या अब तो ज़्यादा इमोशनल हो रहे हैं वो आपके लिए। तो यस, लेकिन कहीं ना कहीं ऐसा लगता है अब उन्होंने भागने का प्रयास करना बंद कर दिया है, या हम कहें कि कल रात इन्होंने ऐसा डिसाइड किया है कि अब ज़्यादा भागने से कुछ नहीं होगा, जस्ट एक्सेप्ट इट एंड लेट इट हैपन, जो होता है उसे होने दो और कम से कम एटलीस्ट एक्सेप्ट द फैक्ट दैट यू आर इन लव। सबसे पहले इस बात को अपनाओ, इस बात को मानो कि आप प्यार में हैं, बिकॉज दे वर जस्ट नॉट एक्सेप्टिंग दैट। तो यहाँ पर इन्होंने कल रात इस भी चीज़ को एक्सेप्ट किया है कि येस दे लाइक यू, दे हैव इंटरेस्ट इन यू, मे बी दे हैव क्रश ऑन यू और दे आर अट्रैक्टेड टूवर्ड्स यू और फाइनली दे लाइक यू। तो ऐसा कुछ इन्होंने एक्सेप्ट किया है कल रात कि पसंद करते हैं, प्यार करते हैं, क्रश है आप पर या आपकी तरफ अट्रैक्शन है, जो भी कुछ है ऐसा कुछ एक्सेप्ट किया है। और कहीं ना कहीं कल रात ऐसा सोच रहे थे व्यूवर्स वो कि मुझे दोबारा सोचना चाहिए, आई शुड री थिंक, आई शुड री चेक एंड आई शुड री कंसिडर माई डिसीजन। जो अब तक मैं इनसे दूर भागने की कोशिश कर रहा था, कर रही थी, या मैं इनको इग्नोर कर रहा था, क्या सच में मैं इन्हें इग्नोर करना चाहता हूँ? क्या सच में मैं चाहती हूँ या चाहता हूँ कि ये मेरी लाइफ से चले जाएं? क्या सच में मुझे इनकी एब्सेंस अच्छी लगती है? इनका ना होना, इनकी गैर मौजूदगी क्या मुझे सच में पसंद है, या सिर्फ मैं प्रिटेंड कर रहा हूँ या कर रही हूँ, सिर्फ भागने का दिखावा कर रहा हूँ, कर रही हूँ, लेकिन मेरा मन नहीं भागना चाहता इनसे दूर। इनफैक्ट मैं तो दिखा रहा हूँ, दिखा रही हूँ ऐसा कि मुझे आप नहीं चाहिए, बट डीप डाउन आई एम क्रेविंग फॉर यू, पर अंदर से मैं आपके लिए क्रेव कर रहा हूँ, क्रेव कर रही हूँ, आई जस्ट वॉन्ट यू। तो यहाँ पर ऐसा लगता है कि वो अपने ऐसे डिसीजन को या अपने ऐसे थॉट प्रोसेस को रीचेक कर रहे थे, यानी दोबारा उसको चेक कर रहे थे कि क्या उन्हें सच में दूर जाना है या ऐसा नहीं है, वो सिर्फ ऊपर ऊपर से ऐसा कर रहे हैं। कभी कभी व्यूअर्स, इंसान दो तरह की बातें सोच रहा होता है, सोच कुछ रहा होता है, कर कुछ और रहा होता है, और खुद भी नहीं समझ पाता है कि आखिर उसे चाहिए क्या, चाहिए जिंदगी में प्यार कि नहीं चाहिए, रहना है साथ कि सच में नहीं रहना है, ये गेम कैसा है। तो अब उन्होंने इस चीज़ को कल रात रीचेक किया है और अपने डिसीजन को, जो डिसीजन उन्होंने लिया था उसको भी रिकंसिडर किया है कि वर दे राइट और रॉन्ग, और उन्हें चाहिए क्या, लाइक फाइनली व्हाट दे वांट, आखिर उन्हें चाहिए क्या, उन्हें समझ में आया है, उन्हें जो चीज़ चाहिए उस तरफ इनका दिल भाग रहा है, और जिस तरफ इनका दिल भाग रहा है उसे ये एक्सेप्ट नहीं कर रहे थे, तो वो जिस चीज़ से भागने की कोशिश कर रहे थे अब नहीं भाग रहे। यहाँ पर मुझे ऐसा भी लगता है व्यूअर्स, लाइक अट्रैक्ट्स लाइक, कि आप दोनों की पर्सनालिटी कुछ हद तक बहुत सिमिलर है, या तो आप लोग करेंटली ऐसा हो सकता है कि एक दूसरे को बहुत मिरर कर रहे हैं, बहुत सिमिलर चीज़ें आपके मन में, आपके दिल दिमाग में चल रही हैं। जैसा व्यूअर्स आपका थॉट है, आपका, आपकी फीलिंग्स हैं, आपके इमोशंस हैं, आपका भाव है, कहीं ना कहीं वैसे ही उनकी फीलिंग्स हैं, उनका भाव है, उनके इमोशंस हैं। मुझे एक सॉन्ग है जिसकी एक लिरिक्स, एक लाइन चैनल हो रही है यहाँ पर। जैसे ही मैंने कहा कि आप लोग एक दूसरे को मिरर कर रहे हैं, जो भाव आपका इस तरफ है वो भाव उनका उस तरफ भी है, तो चैनल्ड हुई है ये लाइन, जो हाल दिल का इधर हो रहा है वो हाल दिल का उधर हो रहा है। ये उस गाने में है, दो दिल मिल रहे हैं मगर चुपके चुपके। आई थिंक ये आई लव माई इंडिया मूवी है, यही मूवी है शायद जिसमें शाहरुख खान जी हैं, महिमा चौधरी जी हैं, उस मूवी में ये गाना है, दो दिल मिल रहे हैं मगर चुपके चुपके, उसमें ही ये लाइन है, जो हाल दिल का इधर हो रहा है वो हाल दिल का
उधर हो रहा है, आई डोंट नो, ये है, यही है ना? आई डोंट नो, पर ये सॉन्ग सुन लीजिएगा पूरा, मुझे सिर्फ इतनी ही लिरिक्स जो है इतना ही चैनल हुआ है, एक लाइन बस, ओके? तो मैं कह रही थी कि आप दोनों एक दूसरे को मिरर कर रहे हैं, इसीलिए जो हाल इधर हो रहा है वो उधर भी हो रहा है। जैसा आपका इंटेंशन फीलिंग है उतना ही प्यार, उतना ही इंटरेस्ट, उतना ही इमोशनल वो है आपके लिए, बिल्कुल मिरर कर रहे हो आप लोग एक दूसरे को। और कल रात भी अगर आप इनके बारे में रोमांटिकली सोच रहे थे, इनके लिए काफ़ी ज़्यादा अट्रैक्टेड फील कर रहे थे, इनको मिस कर रहे थे, दे वर डूइंग द सेम, वो भी ऐसा ही कर रहे थे। यहाँ पर ऐसा भी लगता है व्यूअर्स कि कुछ हद तक आपकी पर्सनालिटी सिमिलर है। यूजुअली ऐसा ट्विन फ्लेम कनेक्शंस में देखा जाता है कि 50% पर्सनालिटी जो होती है, ये पर्सनालिटी ट्रेट्स जो होते हैं, कैरेक्टरिस्टिक्स, गुण जो होते हैं, वो लगभग 50% एक जैसे होते हैं। यहाँ पर भी ऐसा लगता है कुछ चीज़ें आप में सिमिलर हैं, जैसे कि आप दोनों ही थोड़ा सेल्फ रिस्पेक्ट को प्रायोरिटी देते हुए, कोई पहले जाकर कन्फेस नहीं करता। आपको लगता है मेरी सेल्फ रिस्पेक्ट है, अगर मैं कन्फेस करूं तो कहीं ना कहीं मुझे फॉर ग्रांटेड लिया जाएगा, डिसरिस्पेक्ट किया जाएगा, या हो सकता है रिजेक्ट भी किया जाए, ऐसा ही वो भी सोचते हैं, इसीलिए वो भी सामने से आकर कन्फेस नहीं करते। अगर आप लोगों में थोड़ा भी ईगो है, एटीट्यूड है, तो दोनों में ही बराबर नज़र आता है, इसीलिए यहाँ पर ईगो क्लैशेस भी हो सकते हैं, ना वो झुकना चाहते हैं ना आप झुकना चाहते हैं। यहाँ पर कोई भी एक दूसरे के सामने वल्नरेबल और मिजरेबल और वीक नहीं दिखना चाहता, और दोनों को ही शायद ऐसा लगता है कि ज़्यादा प्यार 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 करने से, ज़्यादा कन्फेस करने से, ज़्यादा चेज करने से डिसरिस्पेक्टेड हो जाएगा मेरे लिए, यानी मुझे डिसरिस्पेक्ट किया जाएगा, फॉर ग्रांटेड लिया जाएगा, कमज़ोर समझा जाएगा और मेरी वैल्यू नहीं होगी, दोनों को ही ऐसा लगता है। तो आप दोनों की सोच बहुत मिलती है, कुछ हद तक ऐसा हो सकता है, कुछ कुछ आपकी आदतें भी मैच करती हैं, कुछ आपकी हैबिट्स ऐसी हैं जो उनकी हैबिट्स से मैच करती हैं, पॉसिबल है। तो दोनों की पर्सनालिटी टक्कर की है, एक शेर है तो दूसरा भी शेर है, ऐसा नहीं है कि एक शेर है तो एक चूहा है, ऐसा नहीं है, ओके? यहाँ पर दोनों की पर्सनालिटी टक्कर की है। ये बोथ हैव दैट किंग पर्सनैलिटी, आप दोनों ही राजा जैसे हैं, कोई भी किसी के आगे झुकना नहीं चाहता, एक क्वीन है तो एक किंग है। पर यही चीज है जो आपको एक दूसरे की तरफ ज्यादा अट्रैक्ट भी करती है, शायद उन्हें आपको देखकर लगता हो ये बिल्कुल मेरे जैसी है या जैसा है, और शायद आपको उन्हें देखकर ऐसा लगता हो कहीं ना कहीं ये इंसान कितना मेरे जैसा है। कहीं ना कहीं व्यूअर्स वो चाहते हैं कि उन्हें उनकी लाइफ में वो प्यार मिले जिस पर उन्हें विश्वास भी नहीं हो पाता है, जो प्यार उन्हें रियल भी नहीं लगता है, जो उन्हें दुनिया की फेकनेस लगती है, लेकिन अगर सच में ऐसा है तो वो उन्हें मिले। व्यूअर्स वो दूर इसीलिए भागते हैं या भागती हैं दूर, क्योंकि उनको लगता है आज के टाइम में ट्रू लव नहीं होता, आज के टाइम में रिश्ते परमानेंट नहीं होते, आज के टाइम में रिश्तों में लॉयल्टी ऑनेस्टी नहीं होती, तो इसीलिए दूर भागते हैं कि ऐसा प्यार हो ही नहीं पाएगा तो फिर फायदा क्या है। लेकिन अंदर से वो क्रेव करते हैं ऐसे ही प्यार के लिए कि अगर मुझे कोई ऐसा मिले तो मैं क्यों भागूँ, ओके? तो कहीं ना कहीं वो सच में ये प्यार अंदर से चाहते भी हैं, वो चाहते भी हैं कि आप लोगों का रिश्ता बहुत इंटेंस, बहुत डीप और बहुत अनब्रेकेबल बॉन्ड हो आप लोगों का। यहाँ पर ऐसा भी लगता है व्यूअर्स कि वो आपको हग करना चाहते हैं। इन बोथ द पिक्चर्स आई कैन सी दैट शी इज हगिंग समवन एंड देयर इज हग ऑल्सो। यहाँ पर ऐसा लगता है व्यूअर्स कि कहीं ना कहीं एक सेंस ऑफ प्रोटेक्शन आपके लिए फील करते हैं, और नॉट प्रोटेक्शन, वी कैन से पजेसिव, दे आर काइंड ऑफ पजेसिव अबाउट यू, आप आपके लिए काफ़ी प्रोटेक्टेड हैं या पजेसिव हैं, ऐसी ही कुछ बात है।
कहीं ना कहीं उनको लगता है कि वो आपको प्रोटेक्ट करे सभी प्रॉब्लम से, सभी इश्यूज से, सभी डिफिकल्टीज और लोगों की बुरी नज़र से. ओके, जो लोग आप पर यू नो आपसे फ्लर्ट करते हैं या आपको आपको अपना पार्टनर बनाने की कोशिश करते हैं विद रॉन्ग इंटेंशंस, तो इनको लगता है कि आपको प्रोटेक्ट किया जाए या खुद भी इतने पजेसिव है कि वो किसी और को अलाउ नहीं कर सकते या देख नहीं सकते कि आप किसी और के साथ ज़्यादा करीब हो जाएं, वो उनको अच्छा नहीं लगेगा. दे वोंट लाइक इट. तो पजेसिव भी हैं और प्रोटेक्टिव भी हैं आपको लेकर. यहाँ पर ऐसा लग रहा है जैसे कि मैंने कहा कि वो आपको प्रोटेक्ट भी करना चाहते हैं. तो यहाँ पर मुझे ऐसा हाथ नजर आ रहा है जो ऐसे जैसे कोई दीपक जलता है या कोई कैंडल जलती है, तो उसको हवा से वो बुझ ना जाए. ओके, तो हम ऐसे हाथ लगाते हैं ऐसे करके. ओके, मुझे यहाँ पर ऐसा लग रहा है कि अगर हाथ में हमारे कोई बहुत इम्पोर्टेंट चीज़ हो तो भी हम उसे ऐसे ही छुपा के रखते हैं. तो आपके पार्टनर का भी मुझे यही लग रहा है, जिस पर्सन के लिए आप ये रीडिंग देख रहे हैं उनका भी मुझे ऐसा ही लग रहा है कि व्यूअर्स, आप उनके लिए इतनी प्रेशियस हो, इतने अमूल्य हो, इतने ज़्यादा वैल्यूएबल हो कि वो आपको इसी तरह से प्रोटेक्ट करना चाहते हैं हर प्रॉब्लम से, आने वाली हर समस्या से, लोगों की बुरी नज़र से, लोगों के बुरे इंटेंशन से, गलत इन्फ्लुएंस से यानी गलत लोगों की संगत से, या किसी और के फ्लर्ट से, एनीथिंग. दे जस्ट वॉन्ट टू प्रोटेक्ट यू. वाई? बिकॉज दे हैव दिस यू नो अटैचमेंट विद यू. वो अटैचमेंट उन्हें आपके साथ फील होता है, इसीलिए वो आपको प्रोटेक्ट करना चाहते हैं. और साथ ही साथ जो दूसरा रीजन मैंने कहा था, पजेसिव भी है. ट्रेजर योर लव्ड वंस, कहीं ना कहीं आप उनके लिए उस खजाने की तरह हैं. ऐसा वो कल रात सोच रहे थे कि जो कुछ भी मैं बोल रही हूँ ये उनके कल रात की फीलिंग्स हैं. क्या आप उनको एक ऐसे ट्रेजर की तरह मिले हैं, जैसे कहते हैं ना किसी को कहीं पर पड़ा हुआ या कहीं पर छुपा हुआ खजाना मिल गया, बस उन्हें भी आप एक ट्रेजर की तरह, एक खजाने की तरह लगते हैं. जिस खजाने को जब हमें कहीं खजाना मिल जाता है तो कैसा दिखाते हैं मूवीज में, छुपा के रखते हैं उसे लोगों से, किसी को बताते नहीं है कि मुझे कोई खजाना मिला है या कोई प्रेशियस चीज मिली है. ऐसे ही ये भी आपको सबसे छुपा के रखना चाहते हैं और ज़्यादा लोगों के आगे शो नहीं करना चाहते कि इन्हें आपसे प्यार हुआ है या आप इनके पार्टनर हो या ये आपको पसंद करते, कोई भी ऐसी बात ज़्यादा एक्सप्रेस नहीं करते हैं लोगों के आगे, ज़्यादा दिखाते नहीं हैं. या दे वॉन्ट टू प्रोटेक्ट यू. आई डोंट नो, यहाँ पर प्रोटेक्टिव ज़्यादा ऐसा नज़र आ रहा है मुझे. कल रात भी शायद वो ऐसे ही सोच रहे थे कि उन्हें आपको प्रोटेक्ट करना होगा, ऐसे लोगों की नज़रों से दूर रखना पड़ेगा, या क्या करें कि आप प्रोटेक्टेड रहो, या फिर जो गलत लोग हैं वो दूर रहें आपसे. ऐसा वो क्या करें. ओके, तो यहाँ पर ऐसी बात है. यू आर प्रेशियस फॉर देम बट दे वोंट टेल यू. ऐसा साफ साफ दिख रहा है कि ये इंसान बताने वालों में से नहीं है. दे विल नॉट अटर अ वर्ड. ऐसा लगता है जैसे ये एक्सप्रेस नहीं करेंगे क्योंकि दिखाना ही नहीं चाहते इतना. अभी दूर भाग रहे थे, अब जाकर तो कहीं ना कहीं एक्सेप्ट किया है इन्होंने कि हाँ है प्यार, है लाइकिंग, है अटैचमेंट, लेकिन अभी भी ये नहीं डिसाइड किया है कि ये एक्सप्रेस करेंगे, उसको कन्फेस करेंगे. नो लेट्स सी और क्या सोच रहे थे कल रात आपके पार्टनर, आपके पर्सन. तो ये कार्ड यहाँ पॉप आउट हुआ है. लेट्स सी व्हाट वी हैव हियर. गोइंग विद द फ्लो. मैंने कहा ना, अभी ज्यादा कोई एक्शन इनकी तरफ से एक्सपेक्ट मत कीजिएगा. दे आर जस्ट गोइंग विद द फ्लो. उनकी फीलिंग्स, उनके भाव, उनके इमोशंस उनको जिस दिशा में ले जा रहे हैं, यानी कि आपकी तरफ जिस दिशा में ले जा रहे हैं उस तरफ वो अभी चलते चले जा रहे हैं. पहले तो अपोजिट डायरेक्शन में भागने दौड़ने की कोशिश कर रहे थे, पर अब उन्होंने
उल्टी दिशा में भागना बंद कर दिया है, दे आर जस्ट गोइंग विद द फ्लो नाउ, अब वो सिर्फ बहाव के साथ बह रहे हैं, देख रहे हैं कि आगे जो न्यू जर्नी है वो कैसी होगी, या न्यू बिगिनिंग जो उनकी लाइफ में ये हो रही है, एक नया पड़ाव आ रहा है, एक नई साइकिल, एक न्यू साइकिल, एक न्यू फेज उनकी लाइफ में स्टार्ट हो रहा है, तो वो भी काफ़ी ऑप्टिमिस्टिक होकर, फ्यूचरिस्टिक होकर देख रहे हैं कि देखते हैं आगे क्या होगा, कहाँ ले जा रही है मुझे डेस्टिनी। ओके स्पिरिट्स प्लीज गाइड अस, एक्चुअली वी नीड वन कार्ड सो वी हैव टू शफल अगेन। हो सकता है आप लोगों के बीच नो कॉन्टैक्ट, नो कम्युनिकेशन, या फिर वेरी लेस कम्युनिकेशन है, क्योंकि यहाँ पर साइलेंस का कार्ड आ रहा है। शायद आप लोग एक दूसरे को साइलेंट ट्रीटमेंट दे रहे हैं, आप या आपके पर्सन, क्योंकि यहाँ आप लोगों के बीच चुप्पी नजर आती है, साइलेंस नजर आती है। हो सकता है बात नहीं हुई है बहुत दिन से, ये बातें हो नहीं रही हैं। लेट्स टेक वन मोर कार्ड। कल रात भी ऐसे ही सोच रहे थे व्यूअर्स कि आप लोगों के बीच बातें नहीं हो रही हैं, आप लोग बिल्कुल चुप हैं, दोनों ही एक दूसरे को टक्कर देते हैं साइलेंस में भी। कौन कौन पहले बात करेगा, आई थिंक ऐसा भी कुछ है या पर कल रात भी वो फ्यूचर को लेकर, आने वाले समय को लेकर काफ़ी ज़्यादा ऑप्टिमिस्टिक और पॉजिटिव थे, और सोच रहे थे अब जहाँ ले जा रही है मुझे डेस्टिनी वहाँ चलते ही हैं, देखते हैं क्या होता है आगे, किस्मत क्या मोड़ लेती है। मुझे ऐसा लगता है व्यूअर्स कि पहले ये दो रास्तों में, अब तक दो रास्तों में फंसे हुए थे या लटके हुए थे, लेकिन अब इन्होंने चुन लिया है कि इन्हें क्या चाहिए, इन्हें वही चाहिए जो इनका दिल चाहता है, और वो आप हैं। ओके दैट इज यू। आइए चलिए देखते हैं कि कल रात ये आपसे क्या कहना भी चाहते थे, क्या बोलना चाहते थे आपको। लेट्स सी हियर हार्ट कन्फेशन। देखिए व्यूअर्स, ये चाहते हैं कि इनके दिल की बात आपको पता चले, लेकिन ये कन्फेस करेंगे नहीं अभी, ये चाहते हैं कि आप इनके दिल की बात जानें। यू स्पीक टू मी थ्रू म्यूजिक। व्यूअर्स, जब भी ये गाने सुनते हैं तो इनको आपकी बहुत याद आती है, या कुछ गाने ऐसे हैं जो इन्हें आपकी याद दिलाते हैं। आई एम स्टार्टिंग टू अंडरस्टैंड अवर कनेक्शन। मैंने कहा ना, पहले दूर भाग रहे थे, समझ नहीं रहे थे इन्हें क्या चाहिए, इन्हें समझ में नहीं आ रहा था, लेकिन अब मैसेज आया है, आई एम स्टार्टिंग टू अंडरस्टैंड अवर कनेक्शन। अब मैं हमारे कनेक्शन को समझने लगा हूँ या समझने लगी हूँ। ब्यूटिफुल। आइए चलिए देखते हैं आपके और इनके नाम में क्या अल्फाबेट्स हो सकते हैं। आपके और इनके नाम में हो सकता है डी, एफ, डब्ल्यू, डब्ल्यू एम, जी, एक्स, तो ये उनके लिए भी लेटर है शायद जिनका ब्रेकअप हो गया है, पी, एन, आर, बी, सो बी आर एन, पी एक्स जी एम, जी एम डब्ल्यू एफ डी, ये कुछ अल्फाबेट्स हैं जो आपके या आपके पर्सन के नाम में हो सकते हैं। ओके व्यूअर्स, सो आई होप ये रीडिंग आपके लिए हेल्पफुल और रिलेटेबल रही है। अगर इस रीडिंग ने आपको थोड़ा भी गाइड किया है तो वीडियो को लाइक ज़रूर करें, कमेंट करके बताएं कितने परसेंट आपके सिचुएशन से रेजोनेट करती है, और सब्सक्राइब करें ड्रीम टैरो चैनल को। ओके व्यूअर्स, चलिए फिर मिलते हैं अगली रीडिंग में, तब तक के लिए बाय फैमिली, बाय एंजल्स, लव यू ऑल, बाय, टेक केयर व्यूअर्स।